संदीप महेश्वरी जी, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती हैं और बहुत मोटिवेशनल होती है। आपके यूट्यूब चैनल पे जो 28 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है ना, वो हमारे देश के यूथ का प्यार है जो आपको मिला हुआ है। आप हमारे यूथ के लिए एक मिसाल हो, हमारे देश की जो भी यंग पॉपुलेशन है उन सब के लिए आप एक प्रेरणा हो। हमारा यूथ पूरे दिल से ना आप पे ट्रस्ट करता है। लेट्स बी रियल महेश्वरी जी, आपकी जो स्टोरीज होती है ना बहुत रिलेटेबल होती है। हर एक यूथ ना आपकी स्टोरीज के साथ बहुत क्लोजली रिलेट कर पाता है। यू आर अ मैन हु गिव्स एक्सलेंट एडवाइसेस, ठीक है, शादी बोलो, रिलेशनशिप बोलो, बिजनेस बोलो, करियर बोलो, लाइफ के एक्सट्रीम डिसीजंस बोलो। जब भी किसी यूथ को आपसे एडवाइस लेनी होती है, आपसे सजेशन लेना होता है, आपसे रिकमेंडेशन लेना होता है, तो आपकी एडवाइसेस वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव ठहरती है। अगर आप इस डिस्क्लेमर को हटा दो, महेश्वरी जी मैं आपसे ना नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं मानता था यार ये बंदा, इसके पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये चाहे तो करोड़ों कमा सकता है, लेकिन ये अपना मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं आपका फैन हो गया था। लेकिन आपके इस डिस्क्लेमर ने मेरा दिल तोड़ दिया। आप हमारी यंग जनरेशन को अपनी वीडियोस के जरिए, अपने लाइव सेशंस के जरिए बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस देते हो, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हो, लेकिन इस डिस्क्लेमर ने सब कुछ हवा में उड़ा के रख। चलो संदीप महेश्वरी जी को साइड में रखते हैं और मैं पब्लिक से अभी पूछना चाहूंगा कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है। हाँ भाई पब्लिक, क्यों देखते हो आप उनके वीडियोस, क्यों अटेंड करते हो उनके लाइव सेशंस? एक ही पर्पस है ना, एडवाइस मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, कोई रिकमेंडेशन मिल जाए, कोई सजेशन मिल जाए, इसी मकसद से देखते हो ना आप उनके वीडियोस। लेकिन उनके वीडियोस देखने से पहले कभी उनका डिस्क्लेमर पढ़ा है या उनके लाइव सेशन अटेंड करने से पहले या फिर वो शुरू होने से पहले कभी आपको ऐसा डिस्क्लेमर नजर आया आपके लाइव सेशन में आपको? अब मैं संदीप सर से पूछता हूँ, संदीप सर क्या बताना चाहते हो आप अपने इस डिस्क्लेमर के जरिए? चलो मानता हूँ कि आप अपने आप को लीगली इस डिस्क्लेमर के जरिए सेफ रखना चाहते हो, लेकिन ये डिस्क्लेमर आपकी वीडियोस में आप क्या बोलते हो और ये डिस्क्लेमर आपका क्या दिखाता है, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती? उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं और आपको नज़र नहीं आ रहा उसमें? अब ये वाला जो थंबनेल आपने लगाया हुआ है आपकी वीडियो में कि बेस्ट एडवाइस, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वीडियो ऑन होता है तो आपके डिस्क्लेमर में आप बोल रहे हो कि आप ये एडवाइस ही नहीं दे रहे हो, ये तो आप सरासर लोगों को पागल बना रहे हो। आप खुद अपनी वीडियोस में 70% लोगों को एडवाइसेस देते हो, सजेशंस देते हो, गाइडेंस देते हो, और फिर खुद ही ये डिस्क्लेमर लगा देते हो कि मेरी वीडियोस में कोई एडवाइस नहीं होती या मेरी वीडियोस में मैं एडवाइस नहीं देता। चलो एक बात बताओ, आप अपनी जब वीडियो की शुरुआत होती है उस वीडियो में अपने मुंह से कभी आपने बोला है लोगों को, आपके सामने लाइव सेशन में जो बैठे होते हैं या वीडियो जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपने खुद अपने मुंह से कभी बोला है कि मैं जो भी एडवाइसेस अपने इस सेशन में या अपने वीडियो में दे रहा हूँ उस एडवाइसेस को आप मत लेना क्योंकि मैं एडवाइस नहीं देता? नहीं बोलोगे तुम, कभी नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि पब्लिक आपके पास एडवाइस लेने के लिए ही आई है, आपके पास गाइडेंस लेने के लिए आई है, आपके पास सजेशन लेने के लिए आई है, लेकिन आप तो लीगली क्या बोलते हो कि आप एडवाइस नहीं दे रहे हो। देखो संदीप सर, लोग ना या आपके जो फैंस है वो आपको ना गॉड की तरह मानते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके फैंस बोलते हैं कि वो आपको ना गॉड की तरह मानते हो, लेकिन अपने फैंस के साथ इतना बड़ा धोखा। अगर तुम्हारी वीडियो का मकसद एडवाइस देना नहीं है, सजेशन देना नहीं है, रिकमेंडेशन देना नहीं है, तो मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज देता हूँ संदीप जी, आज के बाद अगर आप कोई भी लाइव सेशन ले रहे हो या कोई भी वीडियो बना रहे हो ना, उसमें अपने मुंह से ओपनली ये बात बोलो कि मैं जो भी यहाँ पे एडवाइसेस दे रहा हूँ वो एडवाइसेस नहीं है, और मैं अपने सेशन में वीडियोस में जो भी मोटिवेशन दे रहा हूँ उस मोटिवेशन के बाद जो भी आप एक्शन लेते हो उसके आप एकलौते जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं। संदेश महेश्वरी जी, ये आपको अपने मुँह से बोलना है। एक बार आप बोल के देखिए, हर वीडियो में बार बार आप बोल के देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स और आपके व्यूअर्स घटने नहीं शुरू हुए ना तो मुझे बता देना। देखो पब्लिक आपसे ना यही उम्मीद करती है कि आप उनको सजेशंस दो, आप उनसे एडवाइसेस, आप उनको एडवाइसेस दो, ठीक है, वो इसी के लिए आपकी वीडियोस देखते हैं, इसी के लिए आपके लाइव सेशंस अटेंड करते हैं, और ये बात आपको पता है, इसलिए जानबूझ के आप ये डिस्क्लेमर डालते हो कि आपको, आप एडवाइसेस नहीं दे रहे हो, आपकी वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए है। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन तो हमें गूगल भी दे देता है, लेकिन यंग जनरेशन आपसे, आपको अपना एक आइडल करके देखती है, आपको अपना एक आइकॉन करके देखती है जिसने सफलता ऑलरेडी प्राप्त की है, अब वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, अब वो हमें एडवाइसेस देगा कि हम भी सफल कैसे हो सके। अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि इंटेंशनली आप कहीं ना कहीं ये तो नहीं चला रहे। संदीप जी, या तो ये डिस्क्लेमर हटाओ या फिर ओपनली अपने मुंह से लोगों को बताओ जो आपने डिस्क्लेमर में लिखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, तब जाके या तो आपकी पब्लिक का आप पे ट्रस्ट बनेगा या फिर आप
आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूवर्स अपने आप ही कम होते जाएंगे, क्योंकि अब आप हकीकत बताओगे। ठीक है, जो आप एडवाइसेस देते हो ना, अब अपने मुंह से बताओ कि आप जो एडवाइसेस देते हो वो एडवाइसेस किसी को लेनी नहीं है। वैसे एडवाइसेस से याद आया, मुझे भी आपकी एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। आपने कहा था कि अगर सुखी रहना है तो वही करो जो बाकी सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ और ही कर दिया। आज इस वीडियो में आपके जो शुभ चिंतक है ना, वो मुझे अभी सुखी रहने नहीं देंगे, मुझे शांत रहने नहीं देंगे। इतना हेट, इतने कमेंट्स मिलेंगे, पता नहीं सकता।